हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, आज का जो वीडियो है आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की टू वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है लाइटरूम ऐप के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे दो इजी स्टेप के अंदर हम अपने लाइटरूम में अपनी फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम अब आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए अपने लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन करते हैं। तो देखिए कि अपनी फ़ोटो जो है अपने लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन इंपोर्ट हो चुकी है। तो आते ही आपको सबसे पहले करना क्या है कि ये जो स्टेप वन जो है वो है ये सन वाला, जो ये सन वाला बटन है, मतलब जो सन वाला सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। उसके अंदर आप जाके सबसे पहले ये जो एक्सपोजर है, आपको एक्सपोजर भी कम बत्ती, मतलब एक्सपोजर जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट से देखिए अपनी पिक के अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और उसके बाद अब आता है हाईलाइट्स को आप कर देंगे, हाईलाइट्स जो बैक लाइट जो आ रही है वाइटनेस, इसे आप कर देंगे बिल्कुल डाउन, -100 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं शेडोज़ की ओर। जो शेडोज़ है, ये ऊपर नीचे जो शेडोज़ है, चलो शेडोज़ को हम कर देते हैं -10, ओके। और जो वाइटनेस, अब हम आ जाते हैं वाइटनेस के पास ऊपर, वाइटनेस जो है वाइटनेस को करते हैं वाइटनेस को करते हैं हम 12, ठीक है। और जो ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस को करते हैं -26 या 27, जो भी है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं जो टेम्परेचर वाला जो बना हुआ है सिंबल, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम आ गए हैं टेम्परेचर पे। इसमें आपको दो फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये टेम्परेचर, टेम्प, टिंट, वाइब्रेशन, सेचुरेशन वगैरह। सेचुरेशन को हम ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे क्योंकि इससे हमारी फ़ोटो में जो देखो ऑरेंजनेस, ये सारे कलर पंची से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सेचुरेशन करते हैं 0 और हम वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, चलो 12 कर देते हैं, ठीक है। 12 हो गया अपना वाइब्रेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं मिक्स में, इसके पास हमें, और हाँ, आप इसमें ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। जो ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट दबाओ तो पूरी पिक आपकी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, ठीक है। इसे वापस कर देते हैं। अब हम चलते हैं मिक्स में, मिक्स में जाएंगे आप, बाद हमें मिलते हैं ये 8 कलर मिलते हैं, जिससे कि हमारी पिक बहुत ही अच्छी और मस्त एडिटिंग कर सकते हैं इससे, इतने सारे कलर्स के अंदर। जो रेड वाला है, रेड वाले से आप कर सकते हैं क्या, देखो जो आपके लिप्स है इस पर थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम छेड़ते नहीं, तो आगे चलते हैं, ठीक है। जो ये ऑरेंज वाला कलर है, ऑरेंज वाले कलर से आपको सेचुरेशन जो है आपको थोड़ी सी हल्की सी कर देनी है डाउन, -15, ओके। और जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस पे हम आ गए हैं, और ल्यूमिनस को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए आपका कलर बिल्कुल ब्राइट होता चला जाएगा, अब ज़्यादा करोगे तो ओवर लगेगा, तो अपना थोड़ा सा ही ब्राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं येलो कलर पे। येलो कलर पे आ जाने के बाद इस पर देखो, जो बैकग्राउंड में जो ट्री है, ये इसका कलर चेंज हो रहा है येलो कलर से, जहाँ पे येलो है वो येलो कलर चेंज हो जाएगा सब। ये देखो मैंने माइनस कर दिया येलो कलर का यूज है, मैंने बिल्कुल -100 कर दिया। और जो सेचुरेशन है वो हमने कर दिया 37, और ल्यूमिनेस जो है इसे भी हम माइनस कर सकते हैं, देखो अगर हम ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे -38, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर पे जाने के बाद आप अगर इसे माइनस करोगे तो ये, मतलब डार्क येलो या ऑरेंज बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये इधर की साइड चला जाएगा। सेचुरेशन जो है, सेचुरेशन माइनस करने के बाद ये देखिए अगर हम इसकी ल्यूमिनस भी डाउन कर देंगे तो
मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलो ज़्यादा माइनस नहीं करते, इतना ही रखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अपनी फ़ोटो कितनी मस्त हो चुकी है अभी तक का। और अब हम चलते हैं इसका लाइट ब्लू कलर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यू पे। ये देखिए आपको इसमें ब्लू कलर दिख नहीं रहा, पर मेरी शर्ट जो है ये थोड़ी सी ब्लू कलर की है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे ब्लू कलर दोनों, ठीक है। इसके ल्यूमिनस भी ब्लू कलर हमने बिल्कुल माइनस कर दिया। अब हम चलते हैं डार्क ब्लू पे। डार्क ब्लू पे जाने के बाद देखिए, ये देखिए मेरी शर्ट का कलर कैसे चेंज हो रहा है। इसका यू कर देते हैं हम बिल्कुल माइनस, जो सैचुरेशन हमने माइनस कर दी, ल्यूमिनेसी हमने माइनस कर दी, -100, -100, ठीक है। यू को आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पर्पल कलर पे, ठीक है। पर्पल कलर पे आ गए हम। ये देखिए मेरी शर्ट का कलर और बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है शर्ट में। ये देखिए ये जो मेरे हेयर है, ये देखिए हेयर का भी कलर चेंज हो रहा है। तो अब क्या करूँ, माइनस को चलो माइनस ही कर देते हैं। देखिए मेरी शर्ट बिल्कुल ब्लैक हो गई, देखो पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। अपनी फोटो देखो कितनी मस्त हो चुकी है सिर्फ 2 स्टेप से। देखिए आप इसे माइनस कर देते हैं, चलो लुमिनस, ठीक है। ई हमने -100 कर दिया, -92 सैचुरेशन और 91 हमने माइनस में कर दिया है लुमिनस, ठीक है। अब हम चलते हैं पिंक कलर के पे, ठीक है। अब हम इसके ह्यू को करेंगे। ये देखिए मेरी शर्ट में इधर जाके करते हैं तो पिंक हो रहा है और इधर करते हैं तो रेड हो रहा है। सैचुरेशन देखिए रेड हो गया और डार्क थोड़ा डल सा। ये देखिए रेड कलर बहुत मस्त लग रहा है, चलो पिंक कर देते हैं इसको, पिंक का पर्पल सा हो गया, चलो ये ठीक है। इसकी ल्यूमिनेशन बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, ये देखिए पिंक कलर आ गया निकल गया थोड़ा, ठीक है। इसके बाद अब अपने फोटो को डन करके, ठीक है, आपके जो सिंपल स्टेप्स थे वे हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हम अपनी फोटो कर देते हैं सेव। ये देखिए फोटो की क्वालिटी वगैरह कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, और पहली जो पिक थी हमारी जब हमने ऐड की थी तो ऐसे ही थी। चलिए हम फोटो को कर देते हैं सेव। ये जो शेयर का बटन है यहाँ पे दबा के, यहाँ पे दबाए और सेव टू डिवाइस कर दीजिए, आपकी फोटो सेव हो जाएगी।